हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक 602.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विनीत। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एयरबड्स। हालांकि दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारे एयरबड्स आ चुके हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। कम बजट में वारंटी गारंटी के साथ हमें एयरबड्स देना, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसलिए दोस्तों आज मैं उठा के लेके आया हूँ KDM का एयरबड्स। ये है वो प्रोडक्ट जिसके आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, तो करना, और साथ ही साथ इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसी चीज है और कंपनी हमें इसमें क्या क्या क्लेम करती है और कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी और क्या ये हमारे बजट में है और वगैरह वगैरह सारी बातें। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख भी लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और कैसा है ये प्रोडक्ट, दिखने में कैसा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोडक्ट को खोलने से पहले इसके ऊपर जो भी चीजें लिखी हैं वो एक बार पढ़ ली जाती है। दोस्तों ये KDM W5 इसका मॉडल है, आप देख सकते हैं 24 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है, वायरलेस ईयरफोन है, फ्लेक्सी बड्स है और इसमें दोस्तों टाइप सी का हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, हैंड्स फ्री कॉलिंग, टच है, टच फंक्शन है, लाइट वेट है, LED फलाना ढिमक का जो भी। और दोस्तों इसकी वायरलेस वर्जन है 5.1 का, एक वर्जन अपग्रेड करके दिया गया है। इससे पहले जो दिया गया था वो 5.0 का था। और टॉकिंग टाइम दोस्तों 6 hours है और म्यूजिक टाइम 5 hours है। ये सब तो सब भी चीज़ में दिया ही रहता है, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। हम बॉक्स ही खोलते हैं सीधा। हालांकि बॉक्स इसका काफ़ी मजबूत है, दिखने में दोस्तों एक मिठाई के डिब्बे जैसा लगता है। जी हाँ बिल्कुल, और खुलता भी कुछ यूनिक तरीके से। ये देखिए अंडा गिर गया दोस्तों हमारा, मजा आया दिखने में दोस्तों। ये एक अंडे की तरह लगता है प्योर। जी हाँ सही में अंडे की तरह दिखता है ये। और चलिए इसको छोड़िए, इसके अंदर क्या क्या है और देखते हैं। कुछ ऐसे ही खुलता है ये बटर पेपर आपके ऊपर और ये काले कलर का बॉक्स है जो हमें मिलता है, ये बॉक्स। और इसके अंदर हमें मिलता है एक सी टाइप का केबल और साथ ही साथ एक टेम्पलेट भी मिलता है हमको, प्रेम पत्र। इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या चार्जिंग होता है, फलाना फलाना ब्लाव ब्लाव जो भी हो। चलिए इसको रखते हैं साइड में। मेन चीज़ हमारी दोस्तों ये है। तो बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन दोस्तों दिखने में आपको अंडे जैसा ही लगेगा। जी हाँ बिल्कुल अंडे जैसा ही है, कोई ज़्यादा, और एकदम मैट फिनिशिंग है तो पकड़ने में भी आपको ग्रिपिंग मिलेगी, फिसलती नहीं है ये बिल्कुल भी, बिल्कुल फिसले गए। और कुछ इस तरीके से ये खुलती है दोस्तों। ये अंडा कुछ विल यू मैरी मी वाली फीलिंग देती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये। ये जो इसकी चार्जिंग के पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको लाइटिंग के थ्रू दिखा दिया जाएगा कि कितने परसेंटेज डिग्री चार्ज है। नहीं है, या अगर आप बाइक वगैरह पे ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको डर नहीं है कि ये उड़ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो हालांकि मैंने इसकी साउंड को सुन लिया पहले से ऑलरेडी, तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। और साथ ही साथ हमें कंपनी 6 months की वारंटी भी देती है, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। और साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप भी 1300 या 1250 का आपका बजट है उसमें अगर आप KDM की ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी दोस्तों। किसी जगह पे 1300 होता है, किसी जगह पे 1200, इसके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगी।
1200 के अंदर अगर आप एक परफेक्ट ईयरबड लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। हालांकि दूसरों की तरह ये नॉर्मल ही है, बट फर्क इतना है कि इसकी बजट थोड़ी कम है। कम बजट में आप वारंटी के साथ ये ईयरबड्स ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।